हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। इस वीडियो में IBPS AFO 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इन सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन सेम ना हो, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, वे सभी टॉपिक इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस हो चुके हैं। जैसे कि 2019 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2012 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जल्दी हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है, सो प्लीज़ इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड ऑरेंज कलर इन सैफ्रॉन इज ड्यू टू, सो आंसर इज क्रोकेटीन। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, केसर का रेड ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? तो आंसर क्रोकेटीन नामक एक वर्णक है जो केसर में पाया जाता है, इसके कारण रेड ऑरेंज कलर होता है। हो सकता है वैरायटी के अकॉर्डिंग लाइट या डार्क कलर हो सकता है, लेकिन क्रोकेटीन वर्णक के कारण ही इसका कलर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटेन राइस इज आल्सो नाउ एज, सो आंसर इज फ्लैक्ड राइस। जैसे कि डायग्राम में मेंशन है, ये एक फ्लैक्ड राइस है जिसको हिंदी में पोहा भी कहते हैं। मार्केट में इसके अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो ये एक यूनिक क्वेश्चन है और कुछ हटकर है, सो ये 2012 क्वेश्चन पेपर में आया है। हो सकता है कई बार आगे भी रिपीट हो। ये फ्लैक्ड राइस है, ये एक फूले हुए राइस की तरह दिखता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइस बैग इज यूजली यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ, सो आंसर इज सॉस। सॉस की प्रोसेसिंग के दौरान जो हम बैग का यूज़ करते हैं वो एक कांच की बोतल है, जिसमें प्रोसेसिंग के बाद सॉस को एक स्टोरेज कर एक टेम्परेचर पर रखकर इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियल्स आर, सो आंसर इज फर्स्ट डिफिशेंट इन लाइसिन एंड रिच इन मेथायोनिन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोस्टिंग कॉफी बीन्स इम्प्रूव्स द कॉन्टेंट ऑफ, सो आंसर इज नियासिन। नियासिन को निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि डायग्राम में मेंशन है, एक रोस्टिंग कॉफी है जिसमें इसकी मात्रा निकोटिन की अधिक है। सो निकोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी सुपीरियर क्वालिटी अधिक हो जाती है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया इज मोर ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, फाइंड आउट द फैक्टर इन करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन द हायर डिग्री ऑफ लॉस टू लोअर डिग्री। सो आंसर इज वीड्स इंसेक्ट्स डिजीज। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉप ग्रोवन ऑफ ग्रेन ग्रीन मैनोर एंड फूडर इज, सो आंसर इज काउपी। काउपी एक ऐसी फसल है जो हम हरी खाद के रूप में और एक अनाज के रूप में उगा सकते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीड ऑफ राइस इज कॉल्ड, सो आंसर इज थर्ड कैरियोपिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीन यूज्ड फॉर डी हस्किंग ऑफ पल्सिस इज, सो आंसर इज फर्स्ट एनर्जी रोल डी हस्कर। जैसा कि डायग्राम मेंशन है, इसके अलग अलग पार्ट मेंशन है, ये स्पेशल पल्सिस की डी हस्किंग के लिए यूज किया जाता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ ए ट्रैक्टर टायर मे बी रिप्रेजेंटेड एज, सो आंसर इज सेक्शन थिकनेस मल्टीप्लाई रिम डायमीटर। जैसे कि डायग्राम में मेंशन है, सेक्शन थिकनेस टायर की जो थिकनेस है और रिम की जो डायमीटर है, इसकी मल्टीप्लाई से एक टायर का रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यह हर कैटेगरी का अलग अलग डिवाइड होगा हर ट्रैक्टर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिनोमोन वेयर इन ए सिंगल जीन हैज़ मोर देन
वन फिनोटाइप इफेक्ट इज नाउ एज? सो आंसर इज प्लेजोट्रोपिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? सो आंसर इज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना अफ्रीका मध्य और दक्षिण अमेरिका के गर्म जिलों में पाया जाता है। यह एक साइनोबैक्टेरिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जैसे कि डायग्राम में मेंशन है। ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइसोसिस इज आल्सो नाउ एज? सो आंसर इज EMP पाथवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन लाइट? सो आंसर इज रेड। रेड कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट अधिक हो जाती है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज ए फ्रूट रिपिंग हार्मोन? सो आंसर इज एथाइलीन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन? सो आंसर इज कोलकाता। कोलकाता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खरपतवार हर्बेरियम का एरिया अधिक है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन? सो आंसर इज मनीला, जो फिलीपींस में है। इसका निर्माण 1960 में हुआ, जो कि समय समय पर राइस पर रिसर्च कर अलग अलग वैरायटी को इंट्रोड्यूस करता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया कैन? सो आंसर इज ग्रो विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लो एनर्जी। इस ग्रुप का क्वेश्चन 2019 जो हाल ही में भी पेपर हुआ है जनवरी में, उसमें भी पूछा गया है। ये एनारोबिक अवायु जीवी बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करता है, बट प्रोड्यूस लो एनर्जी, एनर्जी का प्रोड्यूस कम करता है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फ्लोविंग इज द करेक्ट फूड चेन? सो आंसर इज एल्गी, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक। पहले एल्गी, उसके बाद इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक। इस साइकिल में फूड का चेन चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स? सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंसेक्ट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज? सो आंसर इज मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। अधिकतर इंसेक्ट अपना उत्सर्जन जो कि यूरिक एसिड का, अपने टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट के पीछे वाला पार्ट होता है, चलिए डायग्राम में मेंशन है, देखते हैं ये वाला पार्ट जो कि टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जो अपना यूरिक एसिड का उत्सर्जन इस क्षेत्र से, इस पार्ट से करता है। ये अधिकतर इंसेक्ट में ऐसा ही है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कैरिड आउट ऑफ डिटरमाइन? सो आंसर इज फोर्थ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोस्फीयर इज मेड अप? सो आंसर इज ऑर्गेनिज्म, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुडेन मास डेथ ऑफ फिशेज फ्रॉम ऑक्सीजन डिप्लेशन इज मोर लाइकली इन द? सो आंसर इज यूट्रोफिक्स लैक। यूट्रोफिक लैक्स क्या है, चलिए डायग्राम की मदद से देखते हैं। फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ओलिगोट्रोफिक, सेकंड है मेजोट्रोफिक और तीसरा है यूट्रोफिक। जो यूट्रोफिक है, इसमें जैसे कि डायग्राम मेंशन है, सबसे बॉटम का पार्ट, वन सेकंड, देखिए, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अबुंडेंट प्लांट ग्रोथ पुअर क्लियरिटी
स्ट्रेफिल्ड विद ऑक्सीजन पुअर बॉटम. ए डेड जोन इज एन एरिया वेयर ऑक्सीजन फेल बिलो 2 ppm. देखिए, जब पॉन्ड में ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन 2 ppm से कम है और फिश की डेथ हो जाएगी, जिसे यूट्रोफिक लैक्स के नाम से जाना जाता है. और जब पॉन्ड में मछली की डेथ होगी तो पॉन्ड के किनारे मछली कुछ इस तरह दिखाई देंगी, जिससे फिशरीज प्रोडक्शन का लॉस होता है. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंचुरी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रेट एनिमल इज, सो आंसर इज मनस नेशनल पार्क. डायग्राम में मेंशन है मनस नेशनल पार्क. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सिंपल टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय यूजिंग द फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म एज बायोफर्टिलाइजर. ये भी 2019 में जो क्वेश्चन है उसी ग्रुप से लिया गया है. तो इसका आंसर एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम है, जो कि एक सिंपल टेक्निक है बायोफर्टिलाइजर की, जो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम नाइट्रोजन का फिक्सिंग कर सकते हैं वायुमंडल के द्वारा. तो कहीं ना कहीं हर टॉपिक की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है. जिस तरह 2 क्वेश्चन इस ग्रुप से रिपीट हो गए और 2019 में भी इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सेलिट्रियम रिफ्रेश टू ए मॉडिफाइड माइसलिन विच इज, सो आंसर इज ए हार्ड रेस्टिंग बॉडी. जो एक ट्री की जो बार की हार्ड बॉडी है, एक परत होती है, तो उस पर एक फंगस है वाइट वाइट सी, आपने कई बार देखा भी होगा, तो ये वही है. सो आंसर ए हार्ड रेस्टिंग बॉडी पर सर्वाइव करती है. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज एन एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर. अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ है. ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोटानिकल नेम ऑफ पेरल मिलेट इज, सो आंसर इज पेनिसेटम ट्राइफोडीज. ये डायग्राम मेंशन है बाजरे का, बाजरे के जो सीड है उसका डायग्राम. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द मैचिंग सेट इन क्लासिफिकेशन, सो आंसर इज मेलिपेड कार्प कैंटीपेड एंड कॉकरोच. डायग्राम में एक सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, चलिए देखते हैं. ये सभी एक ही फैमिली से हैं, तो इनमें से सीक्वेंस में है. देखिए, फर्स्ट जो मिलीपेड, ये कार्प है, एंटीपेड एंड कॉकरोच. फर्दर अलग अलग कैटेगरी है बट फैमिली एक ही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस चिपको मोमेंट इज एसोसिएटेड विद, सो आंसर इज SL बाहुगुना. चिपको मोमेंट जो पेड़ों के संरक्षण के लिए चलाया गया था 1974 में. देखिए डायग्राम मेंशन है. बर्थ पैलेस गोपेश्वर इन डिस्ट्रिक्ट चिमिलियन 1973. फर्स्ट चिपको मार्च ऑन 1974 इन रेनी विलेज. ये डायग्राम में SL बहुगुना जी हैं. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ICAR के UP कैडेट BHU में कई बार रिपीट हुआ है, सो इसके याद रखिएगा. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर, सो आंसर इज एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. रेड डाटा बुक इमेज इन मेंशन डायग्राम. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉटम लेयर ऑफ डीप फ्रेश वाटर हैबिटेड इज, सो आंसर इज हाइपोलिम्यून. जैसे डायग्राम मेंशन है, ये पोंड का मिडल का पोर्शन है, जहाँ पर एक फ्रेश वाटर होता है और अत्यधिक मछली अपना प्रोडक्शन करती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सो आंसर इज फिशरीज. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोविंग इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल पैरासाइट इन इंडिया, सो आंसर इज गुल्फ ऑफ मैनर. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट? आंसर इज लखनऊ. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज ऑफ्टन कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनाइजर? आंसर इज न्यूक्लियस, द मेन पार्ट ऑफ सेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल इज? सो आंसर इज माइक्रोकोंडिया. डायग्राम में माइक्रोकोंडिया है जो कि एक कोशिका का एक विशेष अंग है, जो कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वुडी टिश्यू इज ड्यू टू? सो आंसर इज लिग्निन. लिग्निन के कारण ही लकड़ी के जो टिश्यू होते हैं वो हार्ड होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी सीड्स विल जर्मिनेट बेस्ट इफ सॉक्ड इन ए जार कंटेनिंग? सो आंसर इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स विल फ्रॉम ए ट्रिपल हेलिक्स? सो आंसर इज प्रो एलियालिन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द इरिटेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एज ए डिजीज इन द ईयर? सो आंसर इज 1979. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजीज दैट अटैक्स मैनी इन ए कम्युनिटी साइमल्टेनियसली इज? सो आंसर इज एन एपिडेमिक. जब कोई भी पैथोजन कोई भी किसी प्लांट पर किसी क्रॉप पर उस क्षेत्र की सभी क्रॉप पर अपना अटैक्स करे तो वहाँ महामारी के रूप में घोषित कर जाते हैं. इस टर्म को इंग्लिश में एपिडेमिक कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम माइक्रोबायोलॉजी वाज कॉन्टेड बाय? सो आंसर इज लुई पाश्चर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर काउजिंग वायरस आर नाउ एज? सो आंसर इज टूमर वायरसेस. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ग्रोथ कवर इज? सो आंसर इज सिग्मोइड. ये डायग्राम में सिग्मोइड डायग्राम है जिसको ग्रोथ का चार्ट भी कहते हैं. इस रेखा से ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये साइगमोटिक रेखा ही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्सेस दैट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन ए पॉपुलेशन आर? सो आंसर इज सिलेक्शन, म्यूटेजेनेसिस, माइग्रेशन, इनब्रीडिंग एंड रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोडान रीजन इज प्रेजेंट इन? सो आंसर इज टीआरएनए. टीआरएनए में ही एंटीकोडान प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स नाइट्रोजन इन एक्सट्रीड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड? यूरिक एसिड की फॉर्म में ही एक नाइट्रोजन को उत्सर्जन करते हैं उपेचर और पक्षी. सो लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक आर यूज्ड इन इजिली मोनोकोलन एंटीबॉडीज? सो आंसर इज फ्लो साइटोमेट्री. सो इस वीडियो में और इस पेपर के 50 क्वेश्चन ही कलेक्ट हो पाए हैं. अगली वीडियो में हम पूरे 60 क्वेश्चन लाने की हमारी कोशिश होगी. तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और हमारे चैनल पर लगभग हर टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है जल्दी. सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर करें. आई होप ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल लगी होगी. सो थैंक यू.